नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अज्ञात और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बेराड़ खबर शिवपुरी जिले के बेराड़ नगर से है, जहां पर रविवार की सुबह करीब 10 बजे से नगर के प्रसिद्ध ठाकुर बाबा मंदिर पर खाटू श्याम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 351 कलशों की कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा भी शामिल हुए। श्याम मित्र मंडल द्वारा नगर में 15 जनवरी 2023 से आगामी 19 जनवरी 2023 तक श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बेराड़ नगर के कई श्याम प्रेमी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसके बाद 19 जनवरी 2023 को खाटू श्याम जी की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और साथ ही बेराड़ नगर के प्रसिद्ध ठाकुर बाबा मंदिर पर एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी श्याम प्रेमी पवन गुप्ता खरई वालों ने दी है। बेराड़ नगर में जो ठाकुर बाबा मंदिर पर जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके बारे में आप कोई जानकारी देना चाह रहे हैं? सभी तो सबसे पहले सबको जय श्री श्याम। बेराड़ ठाकुर बाबा स्थान पर भव्य खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज कलश यात्रा आ चुकी है और फिर दोपहर 1 बजे से श्याम कथा प्रारंभ हो जाएगी। उसके उपरांत शाम के 17 तारीख को बाबा श्याम की पालकी बेराड़ भ्रमण नगर रहेगा। 18 तारीख को बहुत ही सुंदर जयपुर और दिल्ली के कलाकारों द्वारा बाबा श्याम के भजन रहेंगे। 18 तारीख को फिर बाबा श्याम की कथा प्रारंभ रहेगी। 19 तारीख को भंडारा रहेगा दोपहर 12 बजे से, और ये हमारा प्रोग्राम खाटू श्याम मित्र मंडल बेराड़ द्वारा किया जा रहा है। सभी श्याम प्रेमियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी नगरवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अपना सहयोग इसमें दे रहे हैं। सभी के लिए जय श्री श्याम। बेराड़ से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।